चैप्टर 5 क्लास 9 के लिए और एक्सरसाइज है 5.4। पहले हम लोगों ने सादा पॉलीनोमियल्स की फैक्टराइजेशन सीख ली। अब हम जो फैक्टराइज करेंगे इसमें क्यूबिकल टर्म भी होगी। क्यूबिक पॉलीनोमियल्स को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करना है हमने फैक्टर थ्योरम से। मेजर थ्योरम भी पढ़ा हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में। अभी हमें फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है फैक्टर्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसका बुनियादी तरीका वो हमें पता होना चाहिए। आपने ये कोशिश करनी है कि जो एक्स क्यूब वाली टर्म होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको सादा नंबर कॉन्स्टेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन है तो कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन ज़ा 2 आ जाता है। लेट अस सपोज यहाँ पर 2 होता यहाँ पर 3 होता तो 2 3 ज़ा 6 आ जाता है। यहाँ पर 2 वन ज़ा 2 है तो 2 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। जब हमें फैक्टर्स के साथ इसको सॉल्व करना है तो आपको याद रखना है इसको प्लस के साथ भी लिखना है और माइनस के साथ भी लिखना है। अगर 6 होता फॉर एग्जाम्पल आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम 6 के लिए करते हैं प्लस माइनस 1 लिखते हैं, प्लस माइनस 2 लिखते हैं, प्लस माइनस 3 लिखते हैं, प्लस माइनस 6 लिखते हैं, उन सभी के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सबसे सादा सवाल है, पहले इसको सॉल्व किया है। फैक्टर्स है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। पहला नंबर प्लस वाला होगा वो कैसे आएगा? अगर हम उसको एक्स के साथ माइनस रखेंगे सॉल्व के प्लस आ जाएगा। तो पहला हम सॉल्व करेंगे एक्स माइनस 1 यानी जिसका सॉल्यूशन प्लस 1 होगा। अब हम प्लस 1 के साथ करते हैं जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 लिख दिया, 1 कभी 1 आ गया, 2 प्लस 1 कभी 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, प्लस 2 आ गया। मतलब कि 1 है 2 का स्केयर भी 1 है, माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये प्लस 3 माइनस 3 कट जाएंगे। तो इसकी पहला 1 के लिए प्लस 1 के लिए सॉल्यूशन हमें निकालना तो बहुत आसान हो। अब हमें प्लस 1 नहीं लिखना, हमने वही लेना जो हमने ऊपर नंबर लिया था कि एक्स माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट में हम अब हमने अगला काम करना है। वो अगला काम क्या है कि अब हमने माइनस 1 के लिए इसको सॉल्व करना है। माइनस 1 के लिए करेंगे तो एक्स के साथ करेंगे प्लस होगा, 0 उस तक जाके माइनस होगा। तो प्लस सफा के माइनस हुआ जहाँ जहाँ हमें एक्स आप वहाँ वहाँ भी हमें माइनस 1 पुट कर देना है। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्केयर माइनस 1, तो ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्केयर है प्लस 1 हो जाएगा और साथ में माइनस माइनस प्लस 1 साथ में आ जाएगा। माइनस 1 माइनस 2 ये भी माइनस 3 प्लस 3 आपस में कट जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला जो नंबर था एक्स प्लस 1 जो है ये भी इसका फैक्टर होगा। अब उसके बाद बारी आ गई 2 की। 2 में भी पहले हमें सॉल्व करना है प्लस माइनस 2 दोनों को भी सॉल्व करना है। ऐसे यहाँ पे हम पहले सॉल्व करते हैं एक्स माइनस 2 जो सॉल्व होकर प्लस 2 हो जाएगा, यानी हम प्लस 2 के लिए इसको सॉल्व करने लगे। अब यहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का स्केयर हो जाएगा, माइनस के साथ 2 आ गया साथ में प्लस 2, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्केयर 4 है, ये माइनस 2 प्लस 2, 8 माइनस 8 प्लस माइनस 2 प्लस 2 ये भी हम इसमें काट देंगे। तो जो पी इंटू 2 जो है वो भी 0 आ गया, यानी एक्स माइनस 2 जो हमने लिया था वो भी इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट में हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर टर्म लेंगे एक्स प्लस 2 पी इंटू एक्स प्लस 2 यदि सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 की वैल्यू हमने सबमिट करनी है, हमने इसको सॉल्व करना है। माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होता है, माइनस 2 का स्केयर 4 हो गया, 4 टू माइनस 8 हो जाएगा, माइनस वाले प्लस 2 साथ में प्लस 2। अब ये माइनस 16 दोनों का हो जाएंगे माइनस वाले नंबर से और ये ऐड वाले जो है प्लस 4 है, माइनस 16 से प्लस 4 होगा तो माइनस 12 आएगा। अब माइनस 12 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, 0 आता पीछे 3 टर्म्स में 0 आया था तो हमने इसको फैक्टर कहा, 0 नहीं आया तो हम इसको फैक्टर नहीं कह सकते। ये जितने भी फैक्टर्स होंगे सिर्फ ये क्वेश्चन लेंथ ही होगा, बाकी इस तो एक प्रकार की कुछ नहीं है। वैल्यू हमने पुट करनी है, पुट करने के बाद सॉल्व कर देनी है, 0 आ गया फैक्टर, 0 नहीं आया तो नॉट फैक्टर। अब अगली बात क्या है, जितने भी इसके फैक्टर्स होंगे करने के बाद अब हमने जो जो वैल्यू 0 दे रहे हैं उन लोगों का जो फैक्टर का पेयर था हमने कहा दे रहे हैं कैसे फैक्टर है सॉम ऑफ द पॉलीनोमियल, वो x माइनस 1 आ गई, x प्लस 2 आ गई और x माइनस 2 आ गई। इसके लिए इसने 0 नहीं किया, वो उसके आंसर